गन्ना किसानों की बात सुनना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप लखीमपुर में हैं। लंबा चौड़ा स्ट्रेच है, गन्ना बेल्ट है और ये हर वक्त चुनावी मुद्दा रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लखीमपुर खीरी को गन्ना बेल्ट कहा जाता है और उन्हीं किसानों के इर्द गिर्द राजनीति भी तेज हुई। लखीमपुर खीरी में कई शुगर क्रशर है। अब सवाल उठता है कि अगर पूरा लखीमपुर गन्ना बेल्ट है तो ये गन्ना जाता कहाँ है, तो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर छोटे छोटे ये गन्ना शुगर केन क्रशर होते हैं, जहाँ पर जो लोकल किसान होते हैं अपना गन्ना या तो बुग्गी गाड़ी में या फिर ट्रॉली में भर करके ले आते हैं और रेट लगा करके ले जाते हैं। ये सरकारी नियम कायदे के हिसाब से नहीं, ये अपना प्राइवेट क्रशर है, छोटे पैमाने पर बनाया जाता है और ऐसे पूरे लखीमपुर में देखने को मिलता है। जब हम शुगर क्रेशर से आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में कई किसान नजर आए। भैया ये पत्ता का क्या करते हैं? गाय के खवाते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी कैसी चल रही है आपकी? अरे खेती बाड़ी का गन्ना सूख जाता है। सूख जा रहा है? कोई फायदा, कोई लाभ? कोई लाभ, गन्ना सूख जाता है, आपका क्या लाभ है? किसानों को कोई फायदा मिला है क्या? कोई लाभ नहीं। सरकार कैसी है? सरकार क्या, गोरु छोड़ दिया तो गोरु खा जाते हैं। कमल चलाओगी की साइकिल? अब हम कहा बता मैं बेटी आपको पढ़ा। मोदी योगी पसंद है कि अखिलेश? अखिलेश पसंद है। लखीमपुर खीरी के कई मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों के साथ यहाँ की जनता अपने नेता के माथे पर विजय तिलक करने की तैयारी में है। एबीपी गंगा के लिए लखीमपुर खीरी से स्नेहलता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।